हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतेश। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन 1 to 5 का बहुत अच्छा किया होगा। और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि जो कि आप सभी लोगों का 1 to 5 का एग्जाम हुआ है उसका पेपर का लेवल कैसा था, कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पर आपका जो है कि रिजल्ट आ सकता है, जितनी भी कैटेगरी है सभी का मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो 2-3 डाउट्स थे आप सभी लोगों को, जिसके बारे में आप सभी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, वो भी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसा कि हमें लगा था इस बार कि चीटिंग वगैरह नहीं हो पाएगी, सेटिंग कम हुई है, बट जो कल एग्ज़ाम देकर के निकलने के बाद बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पर बच्चे पकड़ाए हैं, सोल्वर गैंग भी हाथ में आई है। तो मेरा यही निवेदन है आयोग से कि उनके ऊपर जांच की जाए। अगर उनके ऊपर जांच नहीं की जाती है तो फिर से आप सभी लोगों का इस बार जो है कि पेपर का लेवल हाई चला जाएगा। यानी कि 2-3 सेंटर पर ऐसे पाए गए हैं जहां पर पहले से ही बच्चे को जो है कि यानी कि एग्जामिनेशन होने के बाद उनके OMR सीट को रंगवाया जा रहा था, ठीक है, बाहर। तो बहुत सारे बच्चे ने उसके ऊपर कंप्लेन भी किया है, पुलिस का कंप्लेन हुआ है उसके ऊपर जांच चल रही है। बट जैसे ही उसका रिपोर्ट आता है मैं आप सभी लोगों को फर्दर अपडेट कर दूंगा। बट अगर वैसा नहीं हुआ, उन लोगों का अगर देखा जाए तो वहाँ पर अगर BSC उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है और अगर चीटिंग हुआ है तो एग्ज़ाम को जो है कि मद्देनज़र रखते हुए पूरा प्रॉपरली जाँच होना चाहिए। अगर जाँच नहीं हुआ तो आप सभी लोगों का जो कट ऑफ है और हाई जा सकता है। अब बात कर लेते हैं पेपर के लेवल के बारे में। तो पहले मैंने आप सभी लोगों से पूछा था, वो भी मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ। अराउंड 350-400 आसपास कैंडिडेट ने पोलिंग किया था, पेपर कैसा था आप सभी लोगों का। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि बोल रहे थे कि सर पेपर जो है मॉडरेट लेवल का था। 22% ऐसे कैंडिडेट थे जो कि ये बोल रहे थे कि पेपर जो है कि मॉडरेट लेवल का था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ईजी भी बता रहे थे, मॉडरेट टू हाई भी बता रहे थे और टफ भी बता रहे थे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन्होंने कितना कितना स्कोर किया है, ये भी मैंने आप सभी लोगों से पूछा था। यहाँ पर अगर आप सभी लोग देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 100 से 110 से 120 बता रहे हैं, 90 से 100 भी बता रहे हैं, 70 से 80 भी बता रहे हैं और 60 से 70 भी बता रहे हैं। ये तो आप सभी लोगों ने बताया। अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आप सभी लोगों का पेपर का लेवल कैसा था, वो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। अगर हम लोग देखें जो 120 क्वेश्चन थे GS पर जो आप सभी लोगों का था, इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि फैक्चुअल थे। कैसे क्वेश्चन थे? फैक्चुअल थे, फैक्ट बेसिस पर थे और ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि हमें नहीं उम्मीद था कि BPSC इस क्वेश्चन को 1 to 5 में पूछ सकती है, ठीक है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यही 20 से 25 क्वेश्चन जिसके तुक्के से सही हो या फिर जिसको याद हो, जिसमें जिन लोगों ने इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन सही किया होगा उसके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो अराउंड उधर के जो आपके 100 से 95 क्वेश्चन बचते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन आप सभी लोगों से लूसेंट से पूछे गए थे, लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन थे। उसके बाद आप सभी लोगों के करंट थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे और बाकी जो पैटर्न था आप सभी लोगों का ये मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल का आप सभी लोगों का पेपर का लेवल था। उसके साथ साथ कल देखा जा रहा है बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे हैं कि सेटिंग वगैरह हुआ है, बट हमें जब तक ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं आता हम उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हमें इसको मतलब अपने जो हमने एग्ज़ाम दिया है उसके बेसिस पर और पेपर के बेसिस पर और कितनी वैकेंसी है इसके बेसिस पर मैं आप सभी लोगों को एनालिसिस करके बता रहा हूँ। कट ऑफ निकालने के 4 फैक्टर होते हैं जो कि मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, फिर से बता देता हूँ आप सभी लोगों को। पहला होता है नंबर ऑफ वैकेंसी, दूसरा होता है नंबर ऑफ सीट, तीसरा होता है पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल आप सभी लोगों का इजी टू मॉडरेट लेवल का था, यानी कि आप सभी लोगों का जो कट ऑफ है वो हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ये बोलेंगे कि सर हमने 110 सही कर दिया, 120 सही कर दिया। देखिए एग्जाम से देकर के आने के बाद हमें लगता है कि हमने इतने क्वेश्चन सही किए हैं, 110 क्वेश्चन सही किए हैं या फिर 120 क्वेश्चन सही किए हैं, बट होता यह है कि हम जिस क्वेश्चन को ऑप्शन को सही लेके चलते हैं BPSC उसको गलती कर देती है, ठीक है। तो जब तक ऑफिशियली आंसर की नहीं आता हम विश्वास नहीं कर सकते किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। बट एक सेफ अटेम्प्ट और सेफ स्कोर मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि कितना लेके चल सकते हैं, जिस पे आप सभी लोगों की नैया पार हो सकती है, यानी कि जो हमारी नाव है वो नदी के उस पार जा सकती है, बीच में नहीं फंसनी चाहिए। और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ अभी तक मैंने जितने भी कट ऑफ प्रेडिक्शन किए हैं TRE 1 TRE 2.0 के सभी के एक्यूरेट गए हैं, किसी का भी अराउंड 5 से 6 नंबर ऊपर नीचे रहता है, तो डाटा जो रहता है मेरा पूरा परफेक्ट रहता है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि आप सभी लोगों का UR का कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग UR की बात करें तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं आप सभी लोगों का जो UR का जो कट ऑफ है जब मेल का वो 92-95 के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा जनरल का, मेल का, ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल का तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ फीमेल का जो है कि
आप सभी लोगों को 85 से लेकर के 90 के आसपास देखने को मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ये बोलेंगे कि सर मेल और फीमेल का पिछली बार सेम था, ऐसा क्यों था और क्या जितनी सीट है, मान लीजिए जैसे कि फीमेल उसी सीट पर रहेगी या फिर मेल में भी आ सकती है। तो देखिए भैया, जितना फीमेल का रिजर्व है उतने पर तो फीमेल आएगी ही आएगी। उसके बाद वो मेल वाले सीट के ऊपर भी आ सकती है अगर उसने कट ऑफ क्लियर किया है तो। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे अगर हम लोग बात करें, अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की EWS। EWS में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों का जो कट ऑफ है वो 86 से लेकर 90 के आसपास रहेगा मेल का। फीमेल का बात करें तो हम 81 से लेकर के 85 के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं BC कैटेगरी के बारे में। जो भी कैंडिडेट BC से आते हैं उसके बारे में भी मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं। आप सभी लोगों का जो BC का जो कट ऑफ रहेगा आप सभी लोगों का वो रहेगा 90 से लेकर 92 के आस बीच में देखने को मिलेगा। और BC फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों का जो कट ऑफ है वो 82 से लेकर के 85 के बीच में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा फीमेल का। आगे बात कर लेते हैं, अगली कैटेगरी है आप सभी लोगों की EBC। EBC में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, EBC का जो कट ऑफ है वो आप सभी लोगों का वो जो है कि 80 से लेकर के 85 के आसपास देखने को मिलेगा मेल का। और फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो कट ऑफ है 77 से लेकर 80 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की SC। SC में आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों का जो कट ऑफ है 69 से लेकर के 74 के आसपास देखने को मिलेगा। और 65 से लेकर के 69 के आसपास आप सभी लोगों को फीमेल का कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की ST। ST में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों का जो कट ऑफ है 75 से लेकर के 80 के बीच में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और फीमेल का जो है कि 70 से लेकर के 75 के आसपास आप सभी लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब मैंने जो आप सभी लोगों को कट ऑफ बताया, ऐसा नहीं है कि इतना ही जाएगा, इससे 5 नंबर कम या फिर 5 नंबर ज़्यादा जा सकता है। ऐसा अभी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आंसर की नहीं आया है, मैं ऑफिशियली टोटल डाटा पे ही बात कर रहा हूँ। तो 5 नंबर ज़्यादा या फिर 5 नंबर कम, ज़्यादा का गैप नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 5 नंबर का ही गैप दे रहा हूँ। 5 नंबर इससे ज़्यादा हो सकता है, 5 नंबर इससे कम हो सकता है। यानी कि अगर आप सभी लोगों का जो मैंने स्कोर बताया है इससे 5 नंबर ज़्यादा या फिर 5 नंबर कम है तो आप सभी लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। आप सभी लोगों का सिलेक्शन कोई भी रोकने नहीं जा रहा है। ठीक है, और जो लोग ये बोल रहे हैं कि 110 115 कट ऑफ जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आंसर नहीं आता है हम उतना लेकर के नहीं चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सभी लोगों को इसके अंदर कोई भी जानकारी जाननी है, कोई भी डिटेल या फिर कोई आप सभी लोगों को प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग फर्दर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे अभी आप सभी लोगों का एग्ज़ाम चल ही रहा है, अभी आज आप सभी लोगों का 9th-10th का है। जैसे ही पूरा एग्जामिनेशन हो जाता है आंसर की आप सभी लोगों की 20 से 25 दिन में भी आ जाती है, या फिर पिछली बार तो 2 वीक के अंदर ही आ गई थी। आंसर के आने के बाद एक सहूलियत मिल जाएगी आप सभी लोगों को, और जो है कि देखा जाए तो एक आप सभी लोगों को अंदाज मिल जाएगा पूरा प्रॉपर कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए। उसके बाद हमें डाटा निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, परफेक्ट डाटा उसके बाद क्लियर होकर के आ जाएगा। बट आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आप सभी लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, पेपर का लेवल कैसा था, ये सभी लोग आप कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।